सो हाँ जी, राम राम जी। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स, कौशिक एन एक्टिव एडवेंचरर। सो भाई, आज हम आए एक नई जगह, आपको मैं दिखाता हूँ। आज हम आए हैं मार्ट में। तो भाई अभी हम इसमें एक्सपो में घूम रहे हैं, ये मेरे साथ मेरे बड़े भाई भाई आर्किटेक्ट हैं, करनाल में तरुण गौर श्री डिजाइन है ना भाई, और पीछे हमारे दीपक भाई, भाई आपका दीपक वुडवर्क्स, और पीछे हमारे ब्लॉगर भाई, भाई से मिला था शुभम भाई, भाई का चैनल है यूट्यूब पे मार्केट विद शुभम। तो भाई भाई के भी चैनल पे जरूर जरूर जाएँ और कोलैब कर लिया हमने इस वाली वीडियो में, तो वीडियो को एंजॉय करें बढ़िया तरीके से। आप भी बहुत ही अच्छा ब्लॉग बना रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, वीडियो को शेयर जरूर करना, बार बार ठोक दो भाई। अभी आपको बाकी पूरा दिखाते हैं, ठीक है? थैंक यू शुभम भाई। अभी बाकी और भी दिखा देते हैं, अभी आगे दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं यहाँ पे एग्जीबिशन में, एग्जीबिशन जो हो रहा है ना यहाँ पे, वुड वर्क का है और क्लोथ वगैरह का, क्लोथ वगैरह का बहुत बढ़िया है, मतलब बाहर से भी स्टॉल्स हैं, इंटरनेशनल लेवल का एग्जीबिशन है और बहुत कुछ मिल जाएगा, मतलब कि जो भी यहाँ जो कंपनी दिखाई गई है ना, तो कंपनी से डायरेक्ट आप डील कर सकते हो। हाँ, मतलब बीच में वो ब्रोकर डीलर वाला सीन नहीं है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही है आपको, यहाँ पर ब्रोकर वगैरह कोई सिस्टम नहीं रहेगा, डायरेक्ट कंपनी से डील करो। और दूसरी बात ये है कि आप ना छोटे लेवल में नहीं ले सकते, जो भी लेना होगा होल सेल बल्क में आपको दिखाते हैं, आपको एक बार फोन बुक करें, इसको चलो आगे चलते हैं। तो आइए अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं आज मशीनरी पार्ट से। ये है मशीन, मतलब ये लकड़ी से जो प्लाईबोर्ड बनता है उसका मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे लकड़ी से प्लाईबोर्ड बनता है। सबसे पहले ऐसे ये पीसीस कटते हैं, ये ऐसे छीले जाता है लकड़ी को, उसके बाद इसको पेस्ट कर देते हैं। मतलब बहुत बड़ा प्रोसेस है, अभी मैंने सिर्फ ये वाली मशीन का देखा प्रोसेस, बहुत ही अच्छा प्रोसेस है ये। तो अभी अगली मशीन है, जैसे जो घर में जो दरवाजे होते हैं, फिर जो चौखट जंगले होते हैं, उनमें डिजाइनिंग कैसे दी जाती है, उनकी कट्स कैसे करते हैं, ये पूरा मशीनरी का काम है भाई। ये पेंटिंग, इसमें कैसे सांचे बनाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाई जाती हैं लकड़ी के ऊपर। तो ये पूरा अभी प्रोसेस चल रहा है ये मशीन से। और ये उसके बाद ऊपर कवरिंग कैसे करते हैं, जैसे प्लास्टिक जैसे कि, और ये भीड़ देख लो भाई, कितनी भीड़ आ रखी है आज, मतलब पूरा भरा पड़ा है, क्राउड देख लो आप, बढ़िया है, बहुत मजा आया, मतलब अच्छा लग रहा है मेरे को, फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा ऐसे कहीं पे बाहर आने का। तो आप ये जो स्क्रीन में देख रहे हो, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट मशीनरी की तरफ। ये है लेजर से किसी भी मेटल के ऊपर टैटू वगैरह बनाना, टैटू शेप्स किसी भी, अभी देख लो यहाँ पे एक शेप तैयार हो रही है जो भी मैंने डेस्कटॉप पे दिखाई थी, और ये शेप बन चुकी है। तो अभी तीसरी मशीन, इसमें गुदाई दिखा रही है, मतलब कोई भी लकड़ी का टुकड़ा, फिर किसी भी धातु के टुकड़े पे कैसे शेप्स बनाई जा रही है। ये गौतम बुद्ध की तस्वीर बनाई है इन्होंने, और ये उसके बाद मतलब प्रॉपर बहुत बड़ी बड़ी मशीन आ रखी है यहाँ पे, ये देखो कैसे इसमें शेप्स बनाई जा रही है, भाई सफाई कर रहे हैं यहाँ पे। और ये एक इधर ये कैनेडियन गुड्स की स्टॉल है, इसमें इन्होंने अपना बनाया हुआ सामान दिखा रखा है, मतलब इंटीरियर दिखा रखा है किचन का, ये देखो भाई बहुत मस्त है यार, मतलब अच्छा अच्छा लग रहा है। और अभी भाई भीड़ देख लो यहाँ पे, बाहर बहुत अलग अलग कंट्री से, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से लोग आ रखे हैं, और मतलब क्राउड है बहुत तगड़ा। अब इसके बाद ये तीसरी स्टॉल है मद्रास फर्नीचर की, ये बहुत मतलब काफी अच्छा है, इसमें मद्रास फर्नीचर में आपको दिखाते हैं क्या क्या है यहाँ पे, ये इन्होंने आर्ट अच्छी अच्छी चीजें, आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान लगा रखा है। और ये पीछे चेयर्स ही चेयर्स, अलग अलग तरीके की, महाराजा चेयर, स्टूडेंट चेयर, मतलब काफी सारी अभी बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे भाई, बहुत बढ़िया है, मतलब अच्छा इनका स्टॉल भी काफी अच्छा है। और यार एक बार चारों तरफ घुमाते हैं कैमरे को इसमें भाई, मतलब जहां जहां आपकी नजर आ रही है वहीं वहीं मतलब स्टॉल्स, कहीं पे भी इतना बहुत बड़ा स्टॉल है, पैदल चल चल के पैरों में दर्द हो गया। तो फिर इसी बात पे थोड़ा बैठ के आराम करते हैं साथ में शुभम भाई, थोड़ी कॉफी और ये नमकीन वगैरह, थोड़ा रेस्ट करते हैं यार, बहुत देर हो गई घूम। शुभम भाई ये फेस एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि कितना थक गए देख लो भाई। अब ये थोड़ा कर्टेंस और ये कुशंस वाला देख लो भाई, ये देखो गद्दे देखो, बढ़िया है, मतलब
फॉर्म, कुशंस, कर्टेंस, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आओ भाई, अगर आप दिल्ली में हो, दिल्ली के आसपास हो, यूपी में हो, मतलब नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में है, जल्दी जल्दी आओ और घूमो यहाँ पे। और भाई वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ये तो पता ही है ना आपको। ये देखो, ये वाला तकिया देखो, मतलब इसकी शेप और मतलब बहुत फ्लेक्सिबल है। ये देखो, ये शेर वाला बच्चों के लिए काफी अच्छा है, मतलब यार आप आओ जरूर घूमने, आओ यहाँ पे। चलते आगे देखते हैं और क्या क्या है। सो भाई, हमने आपको बताया था कि मैंने आपको दिखाया था कि हम इंडियन एक्सपो मार्ट आए हैं ग्रेटर नोएडा में। तो आपने देखा होगा मतलब कि वुड से प्लाईवुड कैसे बनता है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई मैंने आपको, मशीनरी दिखाई और एक क्लोथ्स दिखाए यहाँ पे, बेडशीट्स वगैरह। तो अब टाइम आ गया है इस ब्लॉग को एंड करने का यहीं। तो भाई, अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम।